ऐसा लग रहा है मैं पिछली सदी में आया हूँ। जी जनाब, फाइनली 2 दिन ईद के घर में गुजारने के बाद आज तीसरे दिन जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं बताता हूँ। भाई जा कहाँ रहे हैं? ताइफ जा रहे हैं और 3 स्पॉट का प्लान है। पहले हम लोग जाएंगे जद्दा से अशिफा माउंटेन और फिर वहां से हम जाएंगे इंशाअल्लाह हलीमा सादिया के घर और वापसी पे वहां से हम लोग आएंगे जू। तो आप भी चलते हैं। जी जनाब, हम लोगों का जो सफ़र है वो ताइफ के लिए शुरू हो चुका हुआ है और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं फैसल भाई और मिस्टर मास। और अभी हम लोग इंशाल्लाह आपको पहुँच कर दिखाएंगे अशिफा हमारे साथ है। अच्छा भाई, गूगल आंटी जो हैं हमें पता नहीं कहाँ से ले आई हैं और हम लोग पुराने सहराओं से और जंगलों से और कोकाफ से पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हुए ताइफ अशिफा पहुँचेंगे इंशाल्लाह 1 घंटे में। माशाल्लाह यार, बहुत कमाल का व्यू है यहाँ पे। ऊपर बादल हैं हमारे और ये पहाड़ों को काट काट के किस तरह इन लोगों ने बनाया हुआ है। हम लोग यहाँ पे उतरे हैं थोड़ा एंजॉय करने के लिए। मजा आ रहा है? आ जाओ। कमाल का व्यू है यार। ओ हो माशाल्लाह। ओ देखें जी नीचे, नीचे गहराई है काफी और मौसम बड़ा अच्छा। सुभान अल्लाह। हाँ जी फैसल भाई, मजा आया? ले भाई, मैं तो बाहर निकल आया हूँ और बादल, ये सब बादल हैं, हम लोग बादलों में इस वक्त घिरे हुए हैं।
और नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और ये बादल जा रहे हैं, ये उड़ उड़ के बादल जा रहे हैं। क्या हुआ? हाँ मैं देख रहा हूँ बादल, माशाल्लाह लोग खड़े होके एंजॉय कर रहे हैं इधर। चले हमारी गाड़ी के अंदर है भाई बादल। हाँ हम बादलों के बीच में से गुजर रहे हैं। हम लोग पहुंच गए महल में, शिफा भी पहुंच गए हैं। जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अल शिफा पार्क, और काफ़ी ठंडा इलाका है इस वक्त, ठंड है। ये सामने बच्चों के लिए पार्क सा बना हुआ है, इस साइड पे शायद आपको कुछ नज़र ना आए, बिल्कुल ही धुंध है, काले बादल नहीं है। हाँ काले बादल नहीं है। मास बेबी, मास उधर देखो, मास किधर आया है? हैप्पी हैप्पी। चलें मास को भाई झूले दें, नीचे रेत है। क्या हुआ? अच्छा इस पे जाना। अभी हम दूसरे पॉइंट पे आए हैं और यहाँ भी पब्लिक काफी जमा है। बहुत ठंडी जगह है और मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है और बेहतरीन व्यू है। फैसल भाई भी, फैसल भाई कहाँ गए थे? ठंडी में खाएं आइसक्रीम। फैसल भाई रोड पे बैठे हुए हैं। बादल आ रहे हैं भाई, नीचे जमीन में पता गया। फैसल भाई के पैसे वसूल हो गए हैं। मास मजा आ रहा है? मास बेबी को, मास बेबी को मजा आ रहा है? बहुत ही कमाल का मौसम चल रहा है भाई। अब ये एक गाड़ी गुजरने की जगह है और वो आ गई है, आ रही है गाड़ी। जी जनाब हम लोग वहां से निकल चुके हैं और इस वक्त लग रही है भूख फुल टाइम, 1:30 बज रहा है और अभी हम मताम ढूंढते फिर रहे हैं, कहीं पे होटल मिले तो खाना शाना खाएं। बड़ी है मेरे भाई, काले बादल हैं। अभी हम लोग खाने पीने का कुछ बस्तोबान ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। फाइनली हमें दूसरा पॉइंट मिल गया और यहाँ पे खाना खाते हैं। फिलहाल हमारी जो बंदियां हैं वो नहीं भाई, खाना मिल गया और कहाँ पे बैठ के खा रहे हैं देख रहे हैं आप, शश के एम आज। हाँ जी, ताज़े फ्रूट्स भी। बंदा बेचारा कोई सेल कर रहा था, उसके पास ही बैठ के खा रहे हैं। नहीं भाई हमारा मेन्यू ये मंदी है, ये दजाज मंदी ऐसे ही बोल रहा था, है ना? मजे की ठंडक और ठंडक चेक करें, ये पानी ठंडा है बिल्कुल, उसके अंदर रहता गाड़ी। क्या बात है, वो बादल देखें ऊपर पीछे। जुलाई के महीने में 20 टेम्परेचर में आपने कभी ऐसे बैठ के खाना खाया सड़क के किनारे? अच्छा जी अभी हम लोग अशिफा से निकल चुके हैं और बनी साद की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हजरत हलीमा सादिया का घर था और जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा हुआ है। 6 साल उन्होंने वहाँ पे, उनकी रजाई माँ थी और वहाँ पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। अब वहाँ जा रहे हैं इंशाल्लाह, आधे घंटे में वहाँ पहुँचते हैं और आपको भी कबीला बनी साद दिखाते हैं इंशाल्लाह। ले भाई कबीला बनी साद हम लोग पहुँच चुके हैं और तकरीबन 10 मिनट का रास्ता रह गया बेबी हलीमा सादिया के घर के करीब करीब है हम लोग। ये भाई कबीला बनी साद जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लम छोटे होते उनका बचपन गुजरा 6 साल, और उजाड़ बयाबान जगह है ये, तो सड़क अभी बनी है, अभी आपको दिखाते हैं आगे जाके। या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लाना दस्ते हमा बेचारा दामा तुई मन आसयम मन आजजम मन बेकसम हाले मेरा पुरसा तुई पुरसा तुई पुरसा तुई पुरसा तुई।
ए मुश्तबे जुम्बर फिशां बहके नसीम सुबह दम ए चारागर ईसा नफस ए मुनस बीमार गम ए कासिदे पुरखंदबे तुझको उसी गुल की कसम इन्नल तैयारी हसबा यौमन निलार दिल हरम बल्लिग सलामी रोजतन फीहिन नबीयल मोहतरम ताजदारे हरम। ले जी हम लोग बनी साथ पहुंच गए हैं। यहाँ पे पहले निशानात थे कुछ, लेकिन अभी ख़त्म करते हैं। मैं अभी ऊपर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और ये जो है ये वॉल कब्रिस्तान की है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके। और यहाँ पे एक कुआँ है और एक मजरा है जहाँ पे नबी पाक काश खेती बाड़ी किया करते थे। मैं दिखाता हूँ अभी जाके। ये है वो कुआँ जहाँ से नबी पाक और हज़रत बीबी हलीमा सादिया, मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ, पानी इस्तेमाल किया करते थे इस कुएँ से। ठीक है जी, ये कुआँ अभी इन लोगों ने बंद कर दिया, भैया आगे जाली लगाई हुई थी। और ये जो है ये सारा खेती बाड़ी यहाँ पे होती थी उनकी, यहाँ पे पूरा मजरा था जिसे मजरा कहते हैं, और गंदम वगैरह उगानी और इस तरह के चीज़ें उगाते थे लोग। ये पूरा मजरा था उनका, ये देखें जी यहाँ पे हमारे नबी पाक जो हैं बचपन उनका गुजरा हुआ है, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर, नीचे से अभी हम लोग आए हैं और ऊपर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर जाके। अच्छा पहले इस जगह पर भी निशानात होते थे घर के, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने तोड़ दिए क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए ना यहाँ पे, बस अजीबोगरीब हरकतें करते थे बिदत टाइप, तो इस वजह से ना इन लोगों ने यहाँ पे निशाना ख़त्म कर दिए। जो सही कमरा ऊपर है, ऊपर ले चलता हूँ आपको। यहाँ से ये ऊपर का नज़ारा और ये नीचे का नज़ारा। अच्छा भाई ये है सारा कब्रिस्तान जहाँ पे सारे जितने भी साहबियात जो उन दिनों में नपा के साथ थे सब दफन है माशाल्लाह यहाँ पे, बनू साद के दौर में। और ये जी सब नज़ारा है, एक रूम आगे भी है, एक रूम ये है, एक आगे भी है, और यहाँ से भी ऊपर जाते हैं आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। एक कमरा ये है, ये कुछ निशानात है, पता नहीं अब इसमें से कौन सा कमरा है, ये कमरा है या वो वाला कमरा है, दोनों में से एक नबी का कमरा था। और ये भी सुना है कि इनमें से या किसी एक जगह पे नबी का सीना भी चाक किया गया था। वो नीचे का मुकाम है, सही, तो नबी का सीना चाक किया गया था और उनका दिल में नूर भरा गया था, तो ये वो मकामात हैं। एग्जैक्टली अभी किसी को भी नहीं पता, सब बस वो ये कहेंगे, वो कहते हैं पहेलियाँ बुझाने वाली बात है, लेकिन सुन जो रवायतों में हमने पढ़ा हुआ है वो यही है। तो अभी मम्मी यहाँ पे नफल पढ़ रही है, नमाज़ पढ़ रही है, वो भी नफल की जगह है माशाल्लाह। और यहाँ से अभी ऊपर जाते हैं। इन वादियों में हमारे और आपके प्यारे नबी जो थे यहाँ से बचपन गुजरा उनका, बचपन गुजारा माशाल्लाह। आपको मैं जूम इन करके अगर दिखाऊं सामने चोटी पे, कुछ निशानात हैं लेकिन कुछ पता नहीं है कौन कौन से अब किधर हैं, लेकिन इतना पता है कि ये कब्रिस्तान है माशाल्लाह। और यहीं पे कमरे हुआ करते थे, यहीं पे घर थे, इन्हीं में से कोई एक कमरा था उनका, इसी एक कमरे में से नीचे या कहीं ऊपर दिल को चाक किया गया था। हाँ जी अम्मी जी क्या तासरात हैं? उधर मैं थे अपने अपने उस जमाने च पी बैठनी हां, क्या बात, साढ़े नब्बे आए, कहाँ कहाँ पांव लगे होंगे उनके माशाल्लाह। मैं सबसे ऊपर चढ़ गया हूँ फुल चोटी पे और अम्मी और सब नीचे हैं।
कबीला बनी साद। इसके ऊपर और भी ऊपर जाया जा सकता है लेकिन मेरे में बहुत है इतना ही, फिर नीचे नहीं उतरा जाएगा। इधर और ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन है इधर। फैसल भाई आ जाएं। यहाँ से अगर और ऊपर जाएं तो क्या नज़ारे हैं दिखाते हैं आपको भी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे माशाल्लाह आबादी है, पहले हम लोग आए थे तो यहाँ पे आबादी नहीं थी। तो ये देखें आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। आज से पहले मैंने जब आया था तब मुझे यहाँ पे कुछ खास नज़र नहीं आया, वो ऊपर क्या है कोई आइडिया नहीं है। हमारा यहाँ पे आना और आप सब भी देख रहे हैं माशाल्लाह हमारे साथ, तो हमें याद रखें यहाँ से देखें पूरा साल बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है माशाल्लाह। बस अब यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे, नमाज़ें पढ़नी है असर की और निकलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तक। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे नबी के कदम रखे होंगे, देख खुली आबादी है और हवा चल रही है, सुकून बिल्कुल। हम लोग देखें यहाँ पे कोई कुछ चीज़ें आबादी, हाँ कुछ भी नहीं है। मुझे ये कुछ नज़र आ रहा है बनी साद के, काफ़ी अर्से के बाद देखे हैं मैंने सऊदीया में। क्यों फैसल भाई अभी पर ये खड़े हैं और ये देखे जी माज माज खेल रहे हो माशाल्लाह। हमारे नबी पाक भी ऐसे खेला करते थे छोटे होते इसी एज में। क्या हो अम्मी ऐसी जगह पे आए अम्मी जी भावक हो गई हैं। आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया, हो अपने दामन को भर के सवाली गया, हो हबीबे हजी हो हबीबे हजी हो हबीबे हजी हो हबीबे हजी पर भी आका नजर वरना। जी जनाब हम लोग अभी बनी साद से निकल रहे हैं और जू जाने लगे हैं, मास बेबी गुजरा एनिमल्स दिखाएं ताकि मास बेबी भी हैप्पी हैप्पी हो जाए और फिर मिलते हैं आपको जू पहुंच कर। ले भाई माशाल्लाह जू का हालात देखें और फुल टाइम रश है और एंट्रेंस पे ही चूहे छोटे चूहे। अच्छा भाई जू की मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप ताइफ जू अली उस्मान खानी लिखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको जू का पूरा व्लॉग मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ छोटे छोटे टिप्स ही दिखाऊँगा, छोटे छोटे क्लिप्स ही दिखाऊँगा इंशाल्लाह। देखें जी यहाँ पे कोई कोरोना का नाम निशान नहीं है। अबे कहाँ है कोरोना, दुनिया देखो ईगल बाज बेबी ईगल देखो, ये बहुत बड़ी गिद्ध है भाई। निबिल बेबीज को लेडीज को हम लोगों ने छोड़ दिया, अभी घूमो फिरो। मैं फैसल भाई जा रहे हैं, हम लोग अमेरिकन वहाँ जा रहे हैं, अमेरिकन पहले वॉशरूम और फिर चाय शाय पीते हैं, चाय की बड़ी तलब हो रही है।
ये भाई यहाँ की मस्जिद और ये जेंट्स हमाम। रौनक है भाई आज, काफी ज्यादा रौनक है। रौनक ये अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं, मंकी तक मंकी तक पहुंच गए हैं। अभी आप लोग इधर ही पहुंचे हैं। मंकी 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 माज ये देखो, ठंडे ठंडे और खूबसूरत मौसम में गरम गरम चाय, माँ खा रही हैं जी पॉपकॉर्न्स। ये भी जराफ है और हिरन है। कुर्बानी की जो बच गई थी लगा दी इन्होंने। सुन लिया, बड़ा हैप्पी हुआ। ये छोटी हाइट वाला है, ये डबल कहान वाले कैमल है भाई। जी जनाब, फाइनली हमारा आज का जो ट्रिप है ताइफ का, और जो जो हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था वहाँ पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घूम फिर आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस अभी मगरिब होने में कुछ लम्हात तकरीबन 20 मिनट बाकी हैं, तो निकल रहे हैं हम लोग जद्दा की तरफ रवानगी है, और इंशाल्लाह वीडियो का अहतमाम करेंगे इंशाल्लाह जद्दा पहुँच कर। ये देखें जी, ये मीना चल रहा है हमारे लेफ्ट साइड पे, अभी राइट साइड पे अराफात चल रहा था उसकी मैं बता नहीं सका। माशाल्लाह ये मीना है माशाल्लाह। हाँ जी जा रहे हैं वापस घरों में। ये देखो